करके चला लेता हूँ, लेकिन स्पेशली ऑटो गाइड में मास्टर हूँ सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो ठीक है जी, आगे हम देखते हैं। जैसे एक्सेल आपने थोड़ा बहुत चलाया होगा, क्योंकि ये एक एडवांस यस सर, कोर्स यस है, तो बेसिक के बारे में ज़्यादा यस जानकारी नहीं देते। बेसिक हम मान के चलते हैं कि ऑलमोस्ट आता ही है पब्लिक को, ठीक है जी। यस तो एडवांस की तरफ चलते हैं। अब यस एडवांस कोर्स में सबसे पहला टॉपिक हम लगाते हैं पेस्ट स्पेशल का। पेस्ट स्पेशल में क्या है कि नॉर्मल कॉपी पेस्ट है जो आप यूज करते हैं, पर डेटा की तरफ आपको ध्यान ले जाना चाहूंगा। यहाँ पे सबसे पहला जो है मेरा डेटा है वो डेट, कुछ डेट दिया है मैंने, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट दिया है और यहाँ पे कुछ नंबर है जो कि डबल डेसिमल पोजीशन में है, बट नंबर जो है ये एक फॉर्मूला के थ्रू आ रहा है, ठीक है जी। और डबल डेसिमल पोजीशंस तक है, मतलब आप देखेंगे डॉट के बाद डबल जीरो आ रहा है, तो एक फॉर्मेट इसके लिए सेट है। तो आप जब भी क्या करते हैं, हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं तो नॉर्मल पेस्ट होता है। जब मैं किसी को कॉपी करके कंट्रोल सी से कंट्रोल वी करता हूँ कहीं पे, तो नॉर्मल कॉपी पेस्ट होता है, यहाँ पे भी फॉर्मूला। बट पेस्ट स्पेशल, कई स्पेशल यूजर यूज करते हैं पेस्ट स्पेशल, इसको आप राइट क्लिक करके भी यूज कर सकते हैं पेस्ट स्पेशल, और आप यहाँ पे जा सकते हैं होम टैब के अंदर, पेस्ट का बटन है यहाँ पे, पेस्ट स्पेशल। अब पेस्ट स्पेशल में देखिए पहला ऑप्शन होता ऑल का। ऑल का मतलब होता है नॉर्मल नॉर्मल कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है जी। बट अब ऑल को अगर छोड़ दें तो इसके इतने पार्ट्स होते हैं, फॉर्मूला, वैल्यू, फॉर्मेट, कमेंट एंड वैलिडेशन। तो मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज समझाता हूँ। देखिए फॉर्मूला में क्या होता है कि फॉर्मूला पे जोर रहता है, तो यहाँ पे हमें जो फॉर्मूला था वो मिल जाता है, जो फॉर्मूला लगाया था। हालांकि फॉर्मूला और वैल्यू में ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली फॉर्मूला का रिजल्ट तो वही है, तो फॉर्मूला रिजल्ट में ज्यादा फर्क नहीं है। हम चलते हैं अगले पे, वैल्यूज पे। वैल्यूज का मतलब होता है कि जो दिख रहा होता है वो वैल्यू चाहिए होती है, मीन्स 24 इधर है तो 24 उधर होना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट एनी फॉर्मूला है, सो वी कैन सी हेयर दैट 24 इज हेयर, ओके। एक्चुअली मैंने एक फॉर्मूला लगाया हुआ है जो कि हर कोई भी एक्शन के साथ ये बदलता रहता है। रैंड बिटवीन का मतलब होता है, एक रैंड बिटवीन फॉर्मूला डाला है, इसका मतलब है कि एक रैंडम वैल्यू रिप्रेजेंट करता है 10 से 90 के बीच, कोई भी करता है। बेसिकली कोई फॉल्स डेटा बनाने के लिए, फेक डेटा बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। तो आपने देखा इसने, जब मैंने पेस्ट किया तो इसने एक तो फॉर्मूला हटा दिया, तो जो दिख रहा था वो डाला इसने। बट आप एक चीज देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या हुआ, डेट मेल डेट में किया कुछ था गड़बड़ जैसे है। ही, हाँ, और यहाँ कुछ नंबर आया, ठीक है जी। टेक्स्ट ऑल राइट है, बट सेल्स में एक और चीज फर्क है, नंबर तो आए बट यहाँ पे डबल डेसिमल पोजीशन थी, डॉट के बाद दो जीरो थे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। व्हाट इज दिस? एक्चुअली आई वांट टू मेक इट क्लियर दैट कि डेट के फॉर्मेटिंग में क्या होता है, क्योंकि हर एक की अलग अलग फॉर्मेटिंग होती है। तो मैं डेट पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आता है कस्टम कुछ लिखा हुआ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे नंबर आता है लिखा हुआ, अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ जनरल आ रहा है लिखा हुआ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो जनरल, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो जनरल। तो बेसिकली मैं आपका ध्यान इस पर ले जाना चाह रहा हूँ कि एक्सेल में एक और तरह की फॉर्मेटिंग होती है। फॉर्मेटिंग किस तरह की होती है, जैसे आप ये नंबर टैब देख रहे होंगे, यहाँ नंबर लिखा हुआ है, सर हम कहते हैं नंबर फॉर्मेटिंग। जब आप इस छोटी सी एरो पे क्लिक करेंगे या फिर Ctrl+1 दबाएंगे तो आपके सामने एक टैब आता है, इसको नंबर टैब सर बोलते हैं, और इसमें कुछ फॉर्मेटिंग होती है, इसको कहते हैं नंबर फॉर्मेटिंग, ठीक है जी। सर इसीलिए इसको कहते हैं नंबर फॉर्मेटिंग।
तो डेट में जो फॉर्मेट था मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला फॉर्मेट था मेरा। मैं देख रहा हूँ कि ये डेट उसके सेम हो गई, तो मींस यहाँ पे डेट फॉर्मेट आ गया, फॉर्मेट का ऐसे चक्कर था। ठीक है जी, सारा यहाँ पे भी ऐसे फॉर्मेट का चक्कर है, क्योंकि यह नंबर में डबल डेसिमल फॉर्मेट में था या जनरल में था। सर। एक नंबर फॉर्मेट होता है जिसका मैंने आपको आइडिया दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना तो पेस्ट एज वैल्यूज है, मुझे फॉर्मूला नहीं चाहिए, बट मैं चाहता हूँ कि इसकी सर नंबर फॉर्मेटिंग भी साथ में होनी चाहिए, वो लॉस्ट नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जस्ट कॉपी करेंगे और इधर आएंगे, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल, या वहां से जा सकते हैं। इसमें देखिए फॉर्मूला एंड वैल्यू, दो वैल्यू दो ऑप्शन है, इसकी जगह आप यूज कर सकते हैं वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट एंड फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट। नंबर पर मान करेंगे वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट। जब मैंने पेस्ट किया तो मैं देख रहा हूं कि मेरा डेट का फॉर्मेट बराबर बना हुआ है, ये कस्टम में आ रहा है, इसका नंबर में आ रहा है। ठीक है जी, तो इस तरह से जो वैल्यू की फॉर्मेटिंग है वो मेंटेन रही, पर यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे कोई फॉर्मूला नहीं है, तो वैल्यू उसका काम अपना पूरा हुआ। ठीक है जी, जब भी हम पेस्ट स्पेशल करते हैं तो क्या होता है, पार्ट्स में करता है। तो अभी मैं डिलीट कर दे रहा हूँ और दोबारा करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल किया और वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट किया, यहाँ पे देख रहे हैं आपको जैसे हैश आया है, हैश किस केस में आता है, जब मतलब क्या करते हैं आप, डेटा आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो कॉलम सेटिंग डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है। अभी कॉलम सेटिंग डिफरेंट है, तो आप चाहते हैं कि कोई ऐसा तरीका हो कि कॉलम सेटिंग जब मैं कॉपी पेस्ट करके ले जाऊं तो कॉलम सेटिंग भी वो पुरानी वाली ले। तो इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में हमारे कॉलम विड्थ का ऑप्शन होता है, जो भी आपका कॉपीड डेटा है उसकी जो कॉलम की सेटिंग रही है, आप अच्छा कॉलम विड्थ सिलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए, वो भी सेट हो। तो अब देख रहे हैं आपके देन नेक्स्ट चीज होती है आपके फॉर्मूलाज वैल्यूज, आप समझ गए फॉर्मेट्स। अब फॉर्मेट्स में क्या होता है, फॉर्मेट्स में टोटल फॉर्मेट होते हैं, आइदर इट इज नंबर फॉर्मेट और एनी अदर एल्स फॉर्मेटिंग। तो चाहे आपने कैपिटल किया है या बोल्ड इटैलिक किया है, जो भी फॉर्मेटिंग है, तो वो अगर आप फॉर्मेट्स पेस्ट कर देंगे तो टोटल फॉर्मेट्स आ जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे पहले से था। ओके सर, देन आपके पास सेकेंड थिंग है, दैट इज कमेंट्स। यहाँ पे देख रहे हैं लाल निशान, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ कमेंट आ रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ पे भी कमेंट आ रहे हैं, फिर मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। तो व्हेन यू वांट टू कॉपी कमेंट्स अलोन, हम इसको सिलेक्ट करते हैं और खाली कमेंट डालना चाहते हैं, तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, पेस्ट स्पेशल करूंगा और कमेंट्स को सेपरेट फिक्स कर सकते हैं। ओके सर, सर सो यू कैन सी हियर कमेंट इज विजिबल, कमेंट आ गए यहाँ। इसका यूज जब भी, जैसे हमने बहुत बड़े बड़े कमेंट यूज कर किए हुए हैं रियलिटी में, तो क्या होता है कमेंट का, मतलब हम काफी सारे यूज कर लेते हैं और इनको एडिट करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है कमेंट्स में, तो हम ये ऑप्शन कर सकते हैं। देन अब मैं इसमें पहले वाले डेटा में आता हूँ, तो यहाँ पे क्या आता है कि यहाँ पे मेरे पास एक, जैसे ही मैं और किसी कॉलम पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं आ रहा, जैसे ही इस कॉलम पे क्लिक कर रहा हूँ, इस सेल पे क्लिक कर रहा हूँ, तो फिल्टर ये ड्रॉप डाउन टाइप का आ जा रहा है। दिस इज नॉट अ फिल्टर एक्चुअली, दिस इज कॉल्ड अ डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन क्या करता है कि आपके सेल को रिस्ट्रिक्ट करता है। हाँ जी, आप में ये जो लिस्ट देख रहे हैं ना, यही भी इसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ ऐसे डालने की कोशिश करेंगे तो तो नहीं लेगा,
एरर आ जाएगा। तो डेटा वैलिडेशन कहाँ से डालता है? ये डेटा कॉलम में जाके, डेटा का टैब है यस यहाँ पे, डेटा यस वैलिडेशन है। तो इसमें से यस यहाँ लिस्ट चूज किया, मैंने लिख दिया है कि इतनी वैल्यू आनी चाहिए। यस ठीक है, यहाँ से ये लिस्ट चूज किया तो ये वैल्यू आनी चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं देगा। अब आपको यही सेटिंग इधर पेस्ट करनी है, तो आप इसको कॉपी करेंगे, यस सिलेक्ट करेंगे जहाँ पेस्ट करनी है, पेस्ट इंस्ट्रक्शन पे जाएंगे और वैलिडेशन को पेस्ट करेंगे। दिस इज कॉल्ड डेटा वैलिडेशन, यस तो वैलिडेशन नीड टू पेस्ट अलोन। तो आप देखेंगे यहाँ पर यस ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही है, यहाँ से आप वैलिडेशन, तो वैलिडेशन को इस तरह यस से पेस्ट करते हैं। ठीक है, यस देन आपको और ऑप्शन बता देता हूँ, मैं इसको एक बार और कॉपी कर लेता हूँ। आप सब कुछ पेस्ट करना चाहते हैं एक्सेप्ट बॉर्डर्स के, तो ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, तो यस इसमें मैंने पेस्ट किया तो इसमें बॉर्डर नहीं आया। वन सेकेंड, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, तो विदाउट बॉर्डर एवरीथिंग इज देयर। ओके सर, यहाँ पे बॉर्डर क्यों है? यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं है। ओके सर, यस हालांकि मैं इस पर कॉलम विड्थ पेस्ट कर सकता हूँ ताकि वैल्यू क्लियर दिखाए। विड्थ मैंने करी तो कॉलम सेटिंग हो गई फटाफट से। ठीक है जी, यस यस देन हम यूज करते हैं अपना ऑल यूजिंग कोड। हालांकि इसको यस थीम क्या होती है अपने पास? थीम होती है, जैसे आप पेज लेआउट में जाएंगे होती है, इसको हम यूज करते हैं पावर पॉइंट। एक्सेल में तो आप यस यूज करते हैं, कलर सेटिंग आ यस जाती है, फॉन्ट सेटिंग आ जाती है, अलग से आ जाती है, तो उसके इसे पेज पे कॉपी पेस्ट करता है। हालांकि इसका प्रयोग एक्सेल में तो आज तक नहीं करिए, बना ही आपको करेंगे। इसे ठीक है जी, तो इसको इसे फॉरगेट कीजिए, इसकी जरूरत नहीं। देन नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए कि आपके पास एक कंडीशन है कि आपने कोई वैल्यू दी, यहाँ पे एक सेल्स डाटा बना दिया। थोड़े टाइम बाद आपको पता लगा कि आपने जो सेल्स डाटा बनाया था वो थोड़ा सा गड़बड़ था। आपने ऑडिट किया, आपको पता इसे लगा कि इसमें 12 और जोड़ना था, इसमें 25 और जोड़ना था, इसमें 36 और जोड़ना था, और इसमें 20 और जोड़ना था। इसे तो आप क्या करेंगे इसके लिए? मोस्ट ऑफ द पर्सन क्या करते हैं, इक्वल टू दबा के प्लस इसको करते हैं, प्लस ये करेंगे। ठीक है जी, आप उसमें प्लस इसे करेंगे, देन ड्रैग करेंगे, तो काम, ठीक है जी, काम हो गया। देन क्या करेंगे, कर्सर ऐसे करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, फिर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, फिर पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और फिर वैल्यू करके पेस्ट कर देंगे। बट अगर ऐसे आपको इतना सब करना ही है तो आपको यह फॉर्मूला लगाने की क्या जरूरत है? ऐसे ऑप्शन हमारे पास पेस्ट के अंदर भी होता है, कॉपी पेस्ट करने के, सिंपल पेस्ट स्पेशल। आप बस इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और इस वैल्यू को ऐसे सिलेक्ट करेंगे, देन पेस्ट स्पेशल में ऐसे जाएंगे। और यहाँ पे एक ऑपरेशन का है, ऑपरेशन टाइप सर हाँ जी, ऑपरेशन है। ऐसे मैं बाय डिफॉल्ट इट इज सिलेक्टेड फॉर नन, बट आपके पास ऑप्शन सर है नन, सबस्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो व्हाट वी आर गोइंग ऐसे ऐड, तो 70 में 12 ऐसे करेंगे तो कितना आ जाएगा? ना 89। सर 289 यस तो दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू, दैट हर किसी में इसके सामने वाला प्लस हो जाएगा। ओके सर, डायरेक्टली सर हमारे पास ठीक ऑप्शन अवेलेबल सर है। बट समटाइम्स आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन आता है कि जी बॉस ये कहता है आपका, अच्छा तुमसे गलती हुई, बट दिस वैल्यू इज टू रिप्लेस, आपको रिप्लेस करनी है, मतलब ऐड नहीं इसे करनी है, रिप्लेस करनी है। अब रिप्लेसमेंट में क्या इसे आपके पास जुगाड़ रहता है? इसके लिए अगर आप फॉर्मूला जानते हैं तो फॉर्मूला लगाएंगे, तो
फॉर्मूला क्या लगाएंगे कि इफ अगर इक्वल टू है ब्लैंक के, मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ, तो हम यही वाली सेल ले लेंगे, अदरवाइज ये वाली सेल ले लेंगे, ओके ना। इस तरह का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला के लिए कितना हो, अगर फॉर्मूला नहीं समझ में आया तो फॉर्मूला के आगे क्लासेस होंगी हमारी, उसमें क्लियर किया जाएगा। बट अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉर्मल लोग कैसे करें। अपना काम हो गया, या मैंने रिप्लेसमेंट की बात हुई थी, वहां रिप्लेसमेंट हो गया, फिर मैं पेस्ट एज वैल्यूज कर दूंगा, काम हो गया। अब देखिए नॉर्मल कॉपी पेस्ट क्यों नहीं कर रहे। अब जब मैं इसको कॉपी करके कर रहा हूँ यहाँ पे पेस्ट, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो ब्लैंक वैल्यूज है वही जाके यहाँ पेस्ट हो जा रही है, तो रिप्लेसमेंट का फंडा मेरा बिगड़ जा रहा है। हाँ जी ऐसा मेथड चाहिए कि यहाँ पे जो ब्लैंक है वो पेस्ट ना हो, बट जो वैल्यू है सिर्फ वही पेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। यस सर। तो उसके लिए क्या करेंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, स्किप ब्लैंक्स। यस सर। जब हम ओके दबाएंगे तो क्या होगा, रिप्लेसमेंट होगा पर ब्लैंक पेस्ट नहीं होगा, ओके सर। यस सर। यस सर। तो ये बहुत यूजफुल ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं। जैसे अभी मान लीजिए कई बार हमें निकालना होता है सेल्स टारगेट से कि कितना अचीव किया टारगेट है जी, टारगेट वर्सेस एक्चुअल, प्लान वर्सेस टारगेट आपके पास भी होता है जी। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि आपको क्या हुआ, टारगेट दिया। हम सेल्स का एग्जांपल ले लेते हैं कि इन बंदों की इतनी इतनी सेल्स, जिनका टारगेट था 200। अब हमें निकालना है कि अचीवमेंट परसेंटेज कितनी है। अचीवमेंट परसेंटेज के लिए हमें या तो फॉर्मूला की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि ये डिवाइडेड बाय 200 देन मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, बट 100 मल्टीप्लाई बाय 100 करने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ परसेंटेज का साइन होता है, ओके सर। ये ऐसा आता है तो परसेंटेज का साइन दबाते हैं जैसे ही आपका, वो सेम काम करता है। पर इसको ड्रैग करने के लिए मुझे क्या करना होगा, D2 को फिक्स करना होता है, पहले डॉलर में फिक्स करना होता है। डॉलर का यूज भी मैं आगे बताऊंगा, पर मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि ये कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो जाता है। तो इस तरह से एक फॉर्मूला लगा और उसने रिजल्ट, ये सब नहीं करना चाहता, सिंपल मैटर्स नहीं करना चाहता। सिंपल मेथड में क्या है, आप इस सेल्स को यहाँ कर दीजिए कॉपी अचीवमेंट, फिर क्या करेंगे, 200 जहाँ लिखा है मैंने टारगेट उसको कॉपी करेंगे, इसको सिलेक्ट किया पूरा अचीवमेंट परसेंट को, तो फिर पेस्ट स्पेशल में गए और डिवाइड पे क्लिक कर दिया, जैसे ऐड था वैसे ही डिवाइड है, ओके ये डिवाइड हो रहा है। हाँ ओके किया तो क्या हुआ, ये डिवाइड होके आ गया, वही जो फॉर्मूला लगा उसी हिसाब से डिवाइड होके आ गया। देन फ्रैक्शन में आया। हाँ जी मैं बोला लेकिन फ्रैक्शन में आया। हाँ डेसिमल पॉइंट में आया, तो फिर मैंने क्या करना है, परसेंटेज का वो दबा सिंबल लगा दिया। अच्छा यहाँ से परसेंटेज का सिंबल दबाइए, आपका काम हो गया। बट थोड़ा सा प्रैक्टिकली बात करें तो हर एक का टारगेट तो खाली एक हो नहीं सकता। कंपनी में कोई तुर्रम खाए तो कोई कुछ है, हाँ जी, तो टारगेट भी अलग अलग होते हैं। मान लीजिए टारगेट सबका अलग अलग है, अब आपको इसको इससे डिवाइड करना है और इसको इससे डिवाइड करना है, इस केस में क्या करें? करना है सिंपल डिवाइड ही करना है, वही पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन। यस सर। कॉपी करके मैंने डाला, टारगेट को कॉपी किया फुल और अचीवमेंट परसेंटेज को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल, देन डिवाइड। यस सर। सेम ऑप्शन। यस सर। इसमें मैजिक ये है कि ये अपने सामने सामने वाली सेल से डिवाइड। यस सर। ओके सर। यस सर।
ये किस केस में वर्क करता है, जब जैसे मैंने यहाँ 10 वैल्यू ली हैं तो यहाँ जस सिलेक्शन में भी 10 वैल्यू होनी चाहिए, 10 की जगह 11 कर यस दूंगा सर, नहीं हो पाता, यस ठीक है, सर, यस उसके पैरेलल वैल्यूज होनी चाहिए। इसी तरह से जैसे यस मैंने बताया टारगेट अलग अलग है, मैंने कहा दिन की वैल्यूज चेक करते हैं, तो 3 दिन की सेल यस निकाल ली मैंने, ठीक है जी, यस तो सर, 3 दिन यस की सर, अचीवमेंट चाहिए मुझे, जबकि मेरे पास 3 दिन का अलग अलग टारगेट है, ओके सर, यस सर, यस सर, ये निकालना है, तो इस केस में भी सेम है, कोई चिंता की बात नहीं, सेल को यहाँ से उठा के यहाँ कॉपी किया मैंने, फिर टारगेट को कॉपी किया, कॉपी किया पेस्ट उसके ऊपर आगे पेस्ट पे सर, ऐसे यस सिंपल कॉपी किया कंट्रोल सी से, सर, यस सर, ठीक है जी, फिर अचीवमेंट परसेंटेज सिलेक्ट किया, देन पेस्ट स्पेशल गया सर, और देन डिवाइड, ठीक है जी, देन परसेंटेज का साइन, यस सर, ओके सर। अब इसमें मैजिक क्या है कि ये जो यस 203 है ये डिवाइड हुआ सर, 47 से, 213 है ये डिवाइड इसे हुआ 21 से, डिवाइड हुआ 21 हाँ इसे 230 है तो 37 से। इसी तरह से जो टारगेट में था इसमें क्या होता है, पैरेलल वैल्यूज चाहिए होती हैं बस, इसे ठीक है जी, तो पैरेलल वैल्यूज जितनी होंगी तो उस हिसाब से, जैसे यहाँ 24 वैल्यू थे तो 24 यहाँ होनी चाहिए, डिवाइड होता है, ठीक इसे है। हमने ये देखा कि हम पेस्ट स्पेशल को कैसे यूज करेंगे मैथमेटिकल फंक्शन, उसी तरह से उसमें मल्टीप्लाई भी है, ऐड भी है, सब्सट्रैक्ट भी है, डिवाइड भी है, ठीक है जी, तो सारे ऑपरेशन में आप यूज करते हैं। फिर अब चलते हैं एक प्रैक्टिकल थिंग पे है कि मान लीजिए कंपनी का डेटा है, अब मैंने अपने पूरे एम्प्लॉय की पूरे साल की डिटेल ली है, अब उसकी सेल ज्यादा है, मैंने कहा कि वैल्यू एक करोड़ दिखाओ, ठीक है जी, 1 करोड़ में दिखाओ मतलब पॉइंट में, ऐसे तो वैल्यू इन करोड़ में क्या दिखाने के लिए कह सकता हूं मैं, यहां से सिंपल है, 1 करोड़ कहीं भी लिख लीजिए, कॉपी कीजिए, उसको सिलेक्ट कीजिए, पेस्ट स्पेशल में जाके डिवाइड कर दीजिए, 1 करोड़ से डिवाइड हुआ तो पॉइंट्स में आ गया 6.3 करोड़, ओके सर, ठीक है, पर हर जगह ये फिक्स वैल्यूज का खेल नहीं होगा, यहाँ तो फिक्स वैल्यूज है, मैं वैल्यूज में चेंज कर रहा हूँ, कई बार क्या होगा कि मैंने कंसोलिडेशन कर रखा होगा सच टाइप कि मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रखा होगा और वो इस तरह से कर रखा होगा कि फॉर्मूला है, और फॉर्मूला जैसे टोटल ऐसे आ रहा है मुझे खाली वो उसमें चाहिए, वो डॉट्स में चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, ठीक है जी, फॉर्मूला में। ऐसे अब फॉर्मूला में क्या लगा ऐसे हुआ है, सम का फॉर्मूला लगा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ अगर चेंजिंग करूँ तो यहाँ भी होनी चाहिए, बट मुझे साइड बाई ऐसे साइड पॉइंट में भी चाहिए, तो या तो मैं हर फॉर्मूला के पास जाके डिवाइड बाय 1 करोड़ लिखूं, अदरवाइज आई कैन चूज, मैं क्या करूंगा यहाँ से 1 करोड़ को कॉपी करूंगा, इसको सिलेक्ट कर लूंगा जहां मैंने चेंजेस करने हैं, पेस्ट स्पेशल पे जाऊंगा ऐसे राइट क्लिक करके देन डिवाइड, यस सेम चीज, अब ये क्या होगा, फर्क दिखा देगा यहाँ पे कि जो मैंने सम का फॉर्मूला लगाया था ये डिवाइड बाय 1 करोड़ अपने आप हर फॉर्मूला के आगे लिख चुका है, ऐसे ओके सर, ऐसे तो ये चीज यहां तक क्लियर हो गई। ऐसे मान लीजिए ये डाटा है आपके सामने इस तरह से, एक चीज हम करते हैं ट्रांसपोज, ट्रांसपोज जानते हैं, ऐसे ट्रांसपोज यहाँ तो नहीं आ रहा से, अच्छा कॉलम को रो में करना, कॉलम को रो में करना है, रो को कॉलम में करना है सर, हाँ ऐसे जी, तो इसको ट्रांसपोज जब करेंगे तो यहाँ से ट्रांसपोज सिलेक्ट करेंगे तो ये
कॉलम टू रो, रो टू कॉलम, इस तरह से करते हैं, तो ट्रांसपोज का यस सर, यस ठीक है जी, यस यस देन इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है लिंकिंग का, लिंकिंग करते हैं कि जो चेन यहाँ वो यहाँ पे लियो, तो इक्वल टू दबाएंगे पहला वैल्यू सिलेक्ट कर लेंगे, ए वन सिलेक्ट कर लेंगे, पहला वैल्यू सिलेक्ट कर लेंगे, देन मैंने किया ड्रैग किया इसको और नीचे तक ड्रैग किया, अब देखिए छोटा वैल्यू था ना पता है कि कहाँ तक ड्रैग करना है, पर जब बड़ा है तो ये जीरो जीरो आ जाते हैं ना लिंकिंग में, लिंकिंग में क्या होता है कि यहाँ पे जब मैं चेंज करता हूँ कोई चीज तो मुझे यहाँ पे चेंजिंग दिखाता है साइड वाइज क्योंकि ये इससे लिंक है। ओके सर, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, शॉर्टकट क्या है मेरे पास, क्योंकि ज्यादा डेटा हो तो दिक्कत आएगी ड्रैगिंग में, बार बार देखना पड़ेगा, आप क्या कर सकते हैं बस कॉपी कर लीजिए, ये भी कॉपी पेस्ट में हमारे ऑप्शन है, कॉपी कर लीजिए, पेस्ट स्पेशल में चले जाइए और यहाँ पे पेस्ट लिंक का बटन है, ओके हो गया काम, पेस्ट लिंक पेस्ट हो गया, अब इसमें क्या करते हैं फॉर्मेट कर देते हैं ताकि ये सब फॉर्मेट मेंटेन रहे, ओके सर, अब यहाँ हैश आ रहा है कॉलम वेट भी कर देते हैं, कॉलम वेट कर दी, ओके सर, तो एक तरह से लिंक वैल्यू आ गई, तो जैसे ही मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी मुझे चेंज चेंज हो जाएगा, ठीक है, बट ये आजकल लिंकिंग यूज नहीं होती, आजकल जमाना डैशबोर्ड्स का जहां आपको एक के ऊपर सारी कंपनी का डेटा मिल जाता है, ओके सर, सारी कंपनी का डेटा मिल जाता है तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, अब सारी कंपनी का डेटा लगाना हो तो एक्सेल में एक दिक्कत होती है फॉर्मेटिंग की, यहाँ आपने कॉलम बड़े कर रखे हैं तो यहाँ पे आप छोटा नहीं कर सकते, कॉलम सेटिंग प्रॉब्लम, मान लीजिए आपके पास जगह ही इतनी है, अब इतने में आपने ये डेटा शो कराना है तो कैसे करेंगे, तो तरीका है आपके पास, आप इसको कॉपी कीजिए, यहाँ क्लिक कीजिए, फिर यहाँ ये होम के नीचे पेस्ट का बटन है, ये एरो की है, इस पे चले जाइए, यहाँ पे चले जाइए एज पेस्ट और पेस्ट एज ऑप्शन है, तो यहाँ पिक्चर, हाँ पिक्चर बन जाएगी, इसको पिक्चर को क्या कर सकते हैं छोटा बड़ा जो मर्जी कर सकते हैं, ठीक है जी, और व्यू में जाके अगर आप ग्रिड लाइन हटा देंगे यहाँ से अनक्लिक कर देंगे तो किसी को क्या पता कि ये पिक्चर है कि क्या है, बट इसका लिंकिंग से क्या लेना देना, क्योंकि तो अगर पिक्चर है तो आपकी अगर मैं चेंज करूंगा यहाँ पे चेंज दिखा नहीं रहा, उस केस में तो मेरे काम की नहीं है, पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन नहीं है तो कोई है ओके पिक्चर काम, तो इसका सलूशन एक्सेल ने दिया है कि आप इसको कॉपी कीजिए, होम टैब पे जाइए, बटन दबाइए, एज पिक्चर जो है पेस्ट पिक्चर लिंक, तो ये एक पिक्चर है जो कि छोटी बड़ी हो सकती है पर इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे आप इसका नाम चेंज कोई भी डेटा चेंज करते हैं तो ये डायरेक्टली यहाँ चेंज दिखाती है, इवन अगर आप कलर भी चेंज करते हैं तो यहाँ पे कलर भी चेंज दिखाते हैं, तो डेफिनेटली श्योर हूँ इस तरह की पिक्चर आपने एक्सेल के अंदर तो नहीं देखी, ठीक है जी, तो ये था सर हमारा कॉपी पेस्ट के बारे में, पेस्ट स्पेशल के बारे में फर्स्ट क्लास जो थी हमारी डेमो, कल देखेंगे अपना सेटिंग्स के बारे में, एक्सेल कस्टमाइजेशन के बारे में, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक बोरिंग होता है क्योंकि अच्छी चीजें थोड़ी सी बोरिंग होती है, नहीं सर बोरिंग नहीं लग रहा है, इंटरेस्ट है बोल के सर, मैं तो आप फोन करके मैं खुद मतलब ढूंढ के किया हूँ ना, तो ये चीज तो ये इंटरेस्टिंग थी, ये तो मुझे पता है इंटरेस्टिंग थी, पर कल की डेफिनेटली बोरिंग होगी,
एक्सेल ऑप्शंस, नहीं बोरिंग नहीं हाँ एक्सेल जैसे ऑप्शंस, ये ऑप्शन मैं जैसे पढ़ाऊंगा जिसके अंदर वो जैसे ऑप्शन पढ़ाए जाते हैं आपके, जो एक्सेल में कभी दिक्कत आ जाए तो कैसे ठीक करना है वो, उसके बारे में। ऐसे जैसे कई बार ऐसे आप क्या होता है कि ये छोटा सा डॉट है ड्रैग वाला, ये गायब है। ओके, तो ऐसे ये सब कहाँ से ठीक होता है, तो एक्सेल में जनरली जो दिक्कतें आती हैं कल उस पर डिस्कस करेंगे। तो कल फुल क्लास आपकी एक्सेल के शॉर्टकट्स के ऊपर और इस कस्टमाइजेशन के ऊपर होगी, ठीक है जी। ऐसे और ऐसे इस क्लास की रिकॉर्डिंग आपको कल ऐसे दोपहर तक मिल जाएगी, ठीक है सर। ऐसा नहीं मिल पा, ऐसा नहीं मिल पाएगा। सर एक्चुअली